मैं उनके लिए एक नारा बुलवाता हूँ, आप लोग बोलेंगे अमर रहे अमर रहे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। माता वैष्णो देवी, भावे अली माता, चित्रा माता से कन्ने काली माता से आशीर्वाद करे तुझे मिली तुम्हारी भक्ति का सत्या। मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली समझना, क्यों निजी अच्छे डोगरिया की भी धरती पर हमें ना सौभाग्य प्राप्त होया। निजी विश्वास है पिछले पंजे साल च भाजपा नौरी आसामा ऊपर खड़ी उतरी है। कहे पूरा आश्वास है कि इस बार तुझ मिकी नौरी सेवा करने का मौका दो। मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठ महानुभाव और विशाल संख्या में पधारे हुए कठुआ के मेरे प्यारे भाई और बहन, सबसे पहले आप सभी को वैशाखी की बहुत बहुत बधाइयां। जैसा मैंने प्रारंभ में कहा, आज देश के संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जन्म जयंती। बाबा साहब को मैं कोटि कोटि नमन करता हूं, उन्हें अपनी श्रद्धांजलि देता हूं। मैं भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता भाई अनिल परिहार और अजीत परिहार जी के बलिदान को भी नमन करता। आतंक के खिलाफ लड़ाई में आपका ये बलिदान पूरा देश याद रहेगा। श्री चंद्रा शर्मा जी, जिन्होंने देश की एकता देश के अहंता के लिए जीवन समर्पित कर दिया, उन्हें भी मैं अपनी श्रद्धांजलि देता। जो अस्पताल हमारी जिंदगी बचाते हैं, वहीं पर चंद्रकांत जी को निर्ममता से मारने का पाप किया गया। जम्मू और कश्मीर में सबको मैं नमन करता। आपके साहस और हौसले से ही भारत का लोकतंत्र और भारत की अखंडता इतनी मजबूत है। भाइयों बहनों, भारत के लोकतंत्र की ताकत को आपने पहले चरण में सिद्ध किया है। जम्मू और बारामूला में भारी मतदान कर आपने आतंकियों के आकाओं पाक परस्त अवसरवादियों और निराशा में डूबे महामिलावटियों को एक कड़ा झटका दिया है, कड़ा झटका दिया।